नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के दो आईएएस अफसरों को मिला अतिरिक्त प्रभार। शिक्षा की नियुक्ति के लिए रिक्तियों का आंकड़ा आया सामने। बिहार समेत कई राज्यों के 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड। भाजपा में जाने के सवाल पर आनंद मोहन ने तोड़ी चुप्पी। डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के दो आईएएस अफसरों को मिला अतिरिक्त प्रभार। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार के दो आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बता दें कि जिन दो आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है उनमें मयंक बरबड़े और विनोद सिंह गुंजियाल के नाम शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मगध प्रमंडल के कमिश्नर मयंक बरबड़े को विपाड का अपर महानिदेशक बनाया गया है। वहीं मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल को भी विपाड के अपर महानिदेशक जिम्मेदारी दी गई है। मालूम हो कि इससे पहले भी 19 अप्रैल को बड़े पैमाने पर बिहार पुलिस विभाग में फेरबदल की गई थी। शिक्षक की नियुक्ति के लिए रिक्तियों का आंकड़ा आया सामने। एक तरफ जहां शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षक नियुक्ति के नई नियमावली का जमकर विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नई नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्तियों का आंकड़ा सामने आ गया है। बता दें कि अब इस आंकड़े को शिक्षा विभाग के द्वारा प्रशासी पद वर्ग के समिति को सौंपा जाएगा, जहाँ से इसे स्वीकृति मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जो आंकड़ा सामने आया है उससे यह बात पता चली है कि वर्ग एक से लेकर पाँच तक 87,222 शिक्षकों की रिक्तियां हैं। वहीं कक्षा 6 से लेकर 8 तक में 1,745, कक्षा 9 से लेकर 10 तक में 33,000 और कक्षा 11 से लेकर 12वीं तक में 57,000 शिक्षकों की रिक्तियां हैं। यानी कि कुल 1,78,967 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पिंडदानियों के लिए फल्गु नदी में खोदा गया तालाब। गया में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं को पिंडदान करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और पिंडदानियों को पानी के लिए पैसे न देने पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा फल्गु नदी में एक तालाब खोदा गया है। बता दें कि इस पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए बीते दिन गया के DM डॉक्टर त्यागराजन SM अपनी टीम के साथ विष्णुपद स्थित देवघाट पहुंचे। बता दें कि फल्गु नदी के किनारे घाट और सीतापथ का निर्माण तथा नदी की साफ सफाई के लिए मार्च महीने में फल्गु नदी पर बने रबर डैम से पानी को निकाल दिया गया था, ताकि इस काम को पूरा किया जा सके। अभी घाट का निर्माण और नदी की साफ सफाई का कार्य चल रहा है। यह जून महीने तक पूरा होने की संभावना है। DM के नाम से शिक्षक ने फर्जी नोटिस बना सोशल मीडिया पर किया वायरल। एक तरफ जहां बिहार सरकार के द्वारा फर्जी शिक्षकों की पहचान की जा रही है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल यह घटना भागलपुर की है, जहां भागलपुर के DM के द्वारा भीषण गर्मी को लेकर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इस नोटिस की ओरिजिनल भाग को एडिट कर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया गया है। जिसके बाद इस मामले की जब जिलाधिकारी स्तर से जाँच कराई गई, तो जाँच में यह पाया गया कि उक्त फर्जी नोटिस को सुल्तानगंज के सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलारी के माध्यमिक शिक्षक मनीष कुमार के द्वारा एडिट कर वायरल किया गया है। जिसके बाद जिला शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा शिक्षक के खिलाफ बराड़ी थाना में आवेदन दिया गया। अब इसी आवेदन के आधार पर शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। बिहार समेत कई राज्यों के 17 ठिकानों पर NIA की रेड। बिहार में NIA के द्वारा प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI से जुड़े मामले को लेकर बिहार समेत कई अन्य राज्यों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं अगर बिहार में चल रही NIA की छापेमारी की बात करें, तो इस मामले को लेकर दरभंगा शहर के उर्दू बाजार स्थित दंत चिकित्सक डॉक्टर सारिक रजा और सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर गाँव निवासी महबूब और मुजफ्फरपुर के चकिया में छापेमारी की जा रही है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार NIA की छापेमारी बिहार में पहले सुबह 4 बजे से ही जारी है। वहीं मुजफ्फरपुर के चकिया थाना क्षेत्र में इस मामले को लेकर PFI के 4 सक्रिय सदस्यों के खिलाफ NIA के द्वारा मामला दर्ज किया गया है, जिनकी पहचान हरपुर गांव निवासी मोहम्मद कादिर अंसारी, कुनवा गांव निवासी इरशाद रियाज मारूफ उर्फ बबलू, मेहसी थाना क्षेत्र के मोबलापुर निवासी याकूब खान उर्फ सुल्तान व मेहसी थाना क्षेत्र के कस्बा गांव निवासी मोहम्मद अफरोज के रूप में की गई है। बिहार में बनेगी 2 म्यूजियम को जोड़ने वाली देश की पहली टनल।
बिहार की राजधानी पटना में स्थित बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने के लिए देश की पहली टनल का निर्माण 373 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। बता दें कि टनल जमीन से 15 से 20 मीटर नीचे बनेगी। वहीं इस 1.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग के निर्माण को लेकर 16.5 मीटर की गहराई पर टनल बोरिंग मशीन का प्रयोग किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस भूमिगत सुरंग के निर्माण को लेकर जनवरी 2023 में बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच समझौता हो चुका है। वहीं फिलहाल एजेंसी चयन को लेकर आवेदन दिए जा रहे हैं। इस काम को पूरा करने का लक्ष्य वर्क ऑर्डर मिलने के 30 महीने के अंदर का निर्धारित किया गया है। भूमि अधिग्रहण से पहले किसानों के साथ बैठक कर कानून की जानकारी देंगे अधिकारी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अब राज्य में जिला भी अर्जन पदाधिकारी किसी भी परियोजना के अधिग्रहण के समय उस परियोजना से प्रभावित हो रहे किसानों के साथ बैठक कर भू अर्जन से संबंधित सभी कायदे और कानूनों को विस्तृत जानकारी देंगे। बता दें कि अगर ऐसा किया जाता है तो किसानों को सही जानकारी मिलने के बाद उनके अंदर किसी भी बातों को लेकर नाराजगी नहीं रहेगी और परियोजना को समय पर पूरा करने में भी काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही अदालती मामलों की संख्या में कमी आएगी। बता दें कि मंत्री आलोक मेहता के द्वारा यह निर्देश बीते दिन शास्त्री नगर स्थित सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में जिला भू अर्जन पदाधिकारियों की मासिक बैठक को संबोधित करते हुए दिया गया था। बिहार में 24 घंटे में मिले 87 नए कोरोना मरीज। राज्य में पिछले एक हफ्ते के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आई है। बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 100 से कम 87 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब राज्य में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 824 है। वहीं मिले इन 87 नए मामले में बिहार की राजधानी पटना से अकेले 30 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 366 हो गई है। वहीं इसके अलावा गया में 67, भागलपुर में 59, पूर्णिया में 53 और खगड़िया में 42 एक्टिव मरीज हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कुल 18,700 मरीजों का कोरोना टेस्ट हुआ है। वहीं अगर देश की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में कुल 6,660 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 63,380 हो गई है। राकेश पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पशुपति पारस। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव स्वर्गीय राकेश पासवान जी के घर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय राकेश पासवान को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि राकेश पासवान बाबा साहेब अम्बेडकर के सच्चे सपूत थे। उन्होंने कहा कि छोटे भाई राकेश के जाने से उन्हें बहुत दुख पहुंचा है और उन्हें व्यक्तिगत बहुत क्षति पहुंची है। वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और उनकी हर संभव मदद करने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से कहा कि वे जल्द से जल्द अपराधियों को अपनी गिरफ्त में ले। इसके अलावा पशुपति पारस के द्वारा अपने फंड से राकेश पासवान जी के स्मृति में एक चबूतरा एवं परिसर का घेराव कराने एवं अपने निजी खर्चे से मूर्ति स्थापित करवाने का निर्णय लिया गया है। बीजेपी सांसद छेदी पासवान को 4 साल पुराने मामले में मिली राहत। बिहार के सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान को एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा 4 साल पहले से चले आ रहे आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिलने पर बरी कर दिया गया है। बता दें कोर्ट के इस फैसले के बाद सांसद के समर्थकों में काफी खुशी देखी जा रही है। वहीं खुद को बरी मिलने को लेकर सांसद छेदी पासवान के द्वारा कहा गया है कि उन्हें माननीय न्यायालय से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4 साल पहले छेदी पासवान के खिलाफ नोटा थाना में कांड संख्या 30/2019 दर्ज किया गया था, जिसमें आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी सांसद निधि के द्वारा नोटा प्रखंड क्षेत्र के देवीपुर गांव में सांसद की मद से सोलर लाइट लगाई गई थी, जिसके नेम प्लेट पर छेदी पासवान का नाम अंकित किया गया था। भाजपा में जाने के सवाल पर आनंद मोहन ने तोड़ी चुप्पी। बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह समेत 27 कैदियों की रिहाई के फैसले को लेकर जारी किए गए अधिसूचना को लेकर बीजेपी के द्वारा लगातार बिहार सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। इसको लेकर अब आनंद मोहन के द्वारा बिल्किस बानो के मामले का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में भी माला पहनाकर कुछ लोगों को रिहा किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक करियर का पार्ट 2 की शुरुआत को लेकर जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि बेटी की शादी के बाद फिर से जेल जाना है, फिर जब रिहाई पर ठप्पा लगे का तो लोगों को बुलाकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। मैं मरा नहीं हूं, जेल में ही था, इसलिए राजनीतिक सफर का अंत नहीं हुआ है। वहीं मायावती को लेकर उन्होंने कहा कि कौन मायावती, मैं नहीं जानता हूं, कलावती को जानता हूं, सत्यनारायण भगवान की कथा में नाम सुना है, मायावती कौन है, क्या बोली, यह जानने का मुझे वक्त भी नहीं है। विपक्षी एकजुटता की पहल पर कहा कि वे अपने मुहिम पर हैं, देश में एक सख्त प्रतिपक्ष की जरूरत है, अगर ऐसा नहीं होगा तो देश में तानाशाही का दौर आने की संभावना है।
आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की रिहाई पर बीजेपी ने कसा तंज। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह समेत 27 कैदियों की रिहाई के फैसले को लेकर जारी की गई अधिसूचना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा जिन 27 कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया है उनमें 13 MY समीकरण के हैं जो RJD आधार का वोट है। उन्होंने कहा कि रिहाई को लेकर जो भी फैसला लिया गया है वह RJD के दबाव में लिया गया है, लेकिन उनका यह फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कोई फायदा नहीं दिलाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जनता CM नीतीश के करतूत को देख रही है। CM नीतीश ने अखिलेश से मुलाकात के बाद कही ये बात। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगातार देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के तहत बीते दिन उन्होंने पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी और फिर UP के पूर्व CM अखिलेश यादव से मुलाकात की। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद CM नीतीश के द्वारा पत्रकारों से बातचीत करते हुए BJP सरकार पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में BJP को सत्ता से हटाया जा सके इसके लिए अधिक से अधिक विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान की सरकार के द्वारा कोई कल्याणकारी कार्य नहीं किए जा रहे हैं, वह केवल प्रचार प्रसार पर निर्भर है। WTC फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत ने भी जून में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला जाना है। यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे चक्र यानी कि 2021-23 का फाइनल है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। BCCI की ऑल इंडिया सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी द्वारा चुनी गई 15 सदस्यीय टीम में दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की वापसी हुई है। वहीं सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन का पत्ता कट गया है। रहाणे काफी लंबे समय से टीम से बाहर थे, लेकिन रणजी में शानदार प्रदर्शन और चल रहे IPL में बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम में उनकी वापसी हुई है। इंग्लैंड की पिच तेज गेंदबाजों को सूट करती है, ऐसे में टीम में 5 तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया है। भारत की 15 सदस्यीय टीम में मोहम्मद समी, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और जयदेव उनादकट को शामिल किया गया है। टीम में स्पिनर के तौर पर रविचंद्रन अश्विन, रविन्द्र जडेजा और अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। विकेटकीपर के रूप में KS भरत को शामिल किया गया है, वहीं KL राहुल बैकअप विकेटकीपर होंगे। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, बिट्टू कुमार राज, नुन्नू गोलू कुमार, मुटुर रंगीला, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, रमन कुमार, रंजीत मिश्रा, देव देवानंद देव, अंकित रॉय, रविन्द्र कुमार, अंशु प्रिया, रविशंकर कुमार, पंकज पुष्पज, मोहम्मद सकीर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जारी किए गए नोटिफिकेशन पर आपके क्या विचार हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।